हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। गॉस की प्रमेय 3 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, चौथा लेक्चर दो निबंध हो चुका है। गॉस के प्रमेय में ध्यान रखिएगा, दो निबंध हम कर चुके हैं, उसके बाद तीसरा निबंध हम लोग करने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तीसरा निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है। तो तीसरे निबंध का नाम है कि एक समान रूप से आवेशित गोली कोश या खोखले गोले खोखले गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका निबंध है, और काफी लंबा भी निबंध है, आराम से बिल्कुल समझिएगा। एक समान रूप से आवेशित गोली कोश या खोखले गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कोई गोला है, ये कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसका केंद्र हमने मान लिया ओ है, और माना इस पर आवेश जो है इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित है। माना कोई आवेश क्यू इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित है, और ठीक है। और हमने आपको बताया था कि जब आवेश बताओ क्षेत्रफल पर बटा हो तो सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। तो मान लेते हैं कि माना इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व बताओ कितना है, सिग्मा है। तो आज हमें इसके कारण तीन जगह, कहां कहां, एक तो बाहर, ये देखो इसके कारण बताओ कितनी जगह, तीन जगह, कहां कहां, एक तो बाहर, ये देखिए बिंदु पी पर बाहर, उसके बाद एक तो सतह पर क्यू पर, और एक तो अंदर, ये देखिए आपका यस पर। तो तीन जगह हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, कहां कहां, एक बिंदु पी पर, दूसरा क्यू पर, और तीसरा यस पर। तीन जगह वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, बताओ क्या मानोगे, जल्दी बताओ क्या मानोगे। तो आइए मानते हैं, माना कोई गोली चालक, माना किसी गोली चालक की त्रिज्या माना किसी गोली चालक की त्रिज्या कैपिटल आर है, तथा आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से वितरित है, इसके कारण बाह्य बिंदु कामा सतह तथा आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तीन जगह, बाहर, उसके बाद सतह पर, उसके बाद अंदर, ठीक है। तो पहले आप चित्र बना करके इतना कर लो, उसके बाद तीन निगमन है भाई, तीनों समझ गए ना, एक तो बाहर है, दूसरा सतह पर है, तीसरा अंदर है, तीनों हम लोग करेंगे। अब आप जल्दी से यहां तक नोट कर लो, तब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट कर ले सब लोग, जल्दी से नोट कर ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लिख करके एक एक करेंगे, पहले निकालेंगे बाहर, उसके बाद सतह पर, उसके बाद अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, अब नंबर एक हेडिंग पढ़ने जा रही है बाह्य बिंदु पर। चलिए हेडिंग पढ़ने जा रही, बताओ नंबर एक कहां, नंबर एक बताओ कहां। बाह्य बिंदु पर, एट एक्सटर्नल पॉइंट। चलिए बाह्य बिंदु पर हम लोग निकालते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक। चलिए देखिए बाह्य बिंदु पर कैसे निकालते हैं, तो मान लेते हैं कि देखिए माना वही गोला था, ये देखिए माना वही गोला है, बताओ जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, इसका केंद्र ओ है, आवेश इसके सतह पर बताओ एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो मान लेते हैं कि माना गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, और गोले के बाहर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो चलिए फिर वही मानते हैं, मानने वाला कार्यक्रम बहुत लंबा है, ध्यान रखना। तो मान लेते हैं कि माना गोले के केंद्र ओ से, गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर गोले के बाहर के बाहर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, ठीक। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये जो आपका पूरा का पूरा आवेश है, तो समस्त आवेश को केंद्र पर संचित मानकर, ध्यान देना, समस्त आवेश को बताओ कहां, केंद्र पर संचित मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का, ये देखिए गोलाकार गौसियन पृष्ठ खींचा भाई, ये देखिए ये है आपका, बताओ क्या, इसको हम लोग लिखेंगे जीएस, बताओ ये क्या आपका है, हाँ ये है आपका जीएस, जीएस माने गौसियन सरफेस। और फिर मान लेते हैं कि माना इस पर कोई अल्पांश भाग है, माना इस पर कोई अल्पांश भाग बताएं कौन है, डीए है, और यहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। अब चूंकि दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए बताओ थीटा बराबर जीरो डिग्री है। तो चलिए फिर वही काम मान लेते हैं कि माना, हाँ, समस्त आवेश को, समस्त आवेश को केंद्र पर, समस्त आवेश को कहां पर, केंद्र पर संचित मानकर, समस्त आवेश को केंद्र पर संचित मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का गोलाकार गौसियन पृष्ठ खींचा, गोलाकार गौसियन पृष्ठ खींचा, ठीक। माना इस पर कोई, माना इस पर कोई अल्पांश भाग डीए तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बताओ कैपिटल ई है, तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। जल्दी से डायग्राम बना करके यहां तक पहुंचिए, फिर आपको हम निगमन करके दिखाते हैं। नोट कर ले सब लोग, बहुत जल्दी नोट कर ले। हो गया सबका, चलिए अब आइए बात करते हैं, फिर वही लगाते हैं गॉस की प्रमेय से।
गॉस की प्रमेय से। समाकलन E डॉट dA बराबर Q बटे, अब साइलेंट जीरो, ठीक। अब आप इसको लिखो, तोड़ो इसको, E dA cos जीरो बराबर Q बटे अब साइलेंट जीरो, E को बाहर निकाल लो, समाकलन dA बराबर Q बटे अब साइलेंट जीरो, E इंटू dA का समाकलन A बराबर बताओ Q बटे अब साइलेंट जीरो। A का मान आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटे अब साइलेंट जीरो, तो यहां से आ जाएगा E बराबर 1 बटे 4 पाई अब साइलेंट जीरो इंटू Q बटे आर का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। ये तिराहे पर आ गए आप, ध्यान रखना ये तिराहा है, तिराहा। अब यहां से तीन रास्ते हैं, तिराहे पर पहुंच गए हैं, तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हो सकता है आवेश लंबाई पर बटा होगा, अगला रास्ता है कि हो सकता है आवेश क्षेत्रफल पर बटा हो, या हो सकता है आवेश आयतन पर बटा हो। अगर लंबाई पर बटा होगा तो लेमडा, क्षेत्रफल पर बटा होगा तो सिग्मा, और आयतन पर बटा होगा तो रो का प्रयोग करेंगे, रो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आइए अब यहां पर हम बात करते हैं। तो अब आवेश चूंकि क्षेत्रफल पर बटा है, अब बताओ सूत्र में किसको लाएंगे, बोलो सिग्मा को लाएंगे। अब हम कह सकते हैं बताक लाएंगे। अब हम कह सकते हैं यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर आपका होता है क्यू बटा ए, या क्यू बटे ए 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो यहां से क्यू बराबर आपका आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप चुपचाप क्यू का मान बताओ समीकरण नंबर 2 से कहां समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 2 से 1 में रखने पर। अब यहां से रखेंगे बताओ ई बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। 4 पाई कट गया, ये देखिए आपका आ गया ई, उसके बाद ई एक्स टी मतलब एक्सटर्नल, ये आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, जिसका निगमन बहुत बार आपके पेपर में आया है। ये है गोले के बाह्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, बताओ निगमन समझ में आया। क्या सूत्र है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, जल्दी से करिए। उसके बाद फिर हम लोग सतह पे बात करते हैं, सतह पर। ये तो खैर आपका बाह्य बिंदु पर था, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कहां पर, सतह पर निकालेंगे, सतह पर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाइयों सतह पर निकालते हैं, मिटा दे रहे हैं, हो गया होगा सबका। चलिए नंबर 2 हेडिंग बात करते हैं सतह पर, एट द सरफेस। तो चलिए देखिए मान लेते हैं कि मानना क्या है, वही आपका गोला था, बताओ त्रिज्या कितनी थी, R थी, केंद्र आपका वो था, आवेश बताओ इसके क्षेत्रफल पर बटा था, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो मान लेते हैं कि अब बताओ ये देखिए ये सतह पर, ये देखिए अब बताओ सतह के लिए, ये देखो आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर, बस। तो मान लेते हैं कि माना इसके सतह पर कोई बिंदु Q है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बताओ यहां पर, ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं कि माना गोले कोष के सतह पर, माना गोले कोष के सतह पर कोई बिंदु Q है,
माना गोली कोष के सतह पर कोई बिंदु Q है, कोई बिंदु Q है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है तो चलिए सबसे पहले बताइए ई एक्सटर्नल बताओ, ई एक्सटी क्या सूत्र है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो इंटू आर स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, ठीक यही ना। अब हम कह सकते हैं सीधे, देखो सतह के लिए हम सीधे कह सकते हैं सतह के लिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, रख दोगे आ जाएगा आंसर। अब आपका ई एस यू आर मतलब सरफेस, अब आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो इंटू आर स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, ये कट गया। अब देखिए यहां से आपका आ जाएगा ई उसके बाद एस यू आर सरफेस बराबर, ये आपका आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। ये देखिए ये है बताओ क्या वैद्युत क्षेत्र का मान, ई सरफेस बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, ये था सतह पर। अब उसके बाद बारी है बताओ कहां, अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं आंतरिक बिंदु पर निकालते हैं अंदर, चलिए कर ले। मिटा दें, हो गया होगा, जल्दी कर ले, आसान था कि नहीं। लेकिन पेपर में अगर केवल सतह पर आता है ना तो ये दो लाइन मत कर देना, केवल सतह पर आ गया चार नंबर में मार दिए दो लाइन बर्बाद हो गए, पहले बाहर निकालना, ध्यान रखना, मौका देख के काम करना। ये निगमन अगर तीन या चार नंबर में आया है सतह पर तो पहले बाहर निकाल करके तब आर बराबर आर लिखना, समझ में आया। अगर एक नंबर मान लो आया है तब आप ऐसे कर दो, तो मौका देख करके जिस टाइप का सवाल आए उसी टाइप का काम करिए आप। चलिए अब आइए बात करते हैं अंदर, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर तीन, नंबर तीन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आंतरिक बिंदु पर। एट इंटरनल पॉइंट, तो चलिए मान लेते हैं कि माना ये देखिए कोई गोला है, ये देखे इस पर आवेश, ये देखे इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित है, ये देखे केंद्र O है, त्रिज्या बताओ कितनी है, R है। तो मान लेते हैं माना इसके केंद्र O से बताओ स्मॉल r दूरी पर इसके अंदर कोई बिंदु S है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो माना गोले के केंद्र O से R दूरी पर गोले के भीतर कोई बिंदु यस है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। फिर वही काम बताओ स्मॉल आर त्रिज्या का बताओ क्या खींच दो, ये देखो गॉसियन पृष्ठ खींचा, मान लेते हैं कि माना इस पर कोई अल्पांश भाग है बताओ जिसका क्षेत्रफल बताओ डीए है और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बताओ कैपिटल ई है। तो फिर वही काम बताओ क्या स्मॉल आर त्रिज्या का गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, खींचे उसके बाद माना इस पर कोई अल्पांश भाग
माना इस पर कोई अल्पांश भाग डीए तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कैपिटल ई है। अब आप लगा दो गॉस की प्रमेय से, समाकलन ई डॉट डीए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। अच्छा क्यू क्या होता है? क्यू होता है गॉसियन पृष्ठ का आवेश। अब सुनो क्यू बराबर जीरो है, क्योंकि ये जो तुम गॉसियन पृष्ठ खींचे हो इसके अंदर आवेश कहां है? क्यू क्या होता है? क्यू गॉसियन पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश होता है। ये जो तुम गॉसियन पृष्ठ खींचे हो अंदर आवेश कहां है? जीरो। तो यहां से आपका आ जाएगा ई बाहर ले लोगे, समाकलन आपका बताओ डीए बराबर जीरो। अब यहां से आपका आ जाएगा बताओ ए इंटू ए बराबर जीरो, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा बताओ ई बराबर जीरो। और ये बात आपको हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, आपको याद नहीं आ रहा होगा। हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि आवेशित गोले के भीतर, ये देखिए हमने आपको पढ़ाया था बताओ क्या, कि आवेशित गोले के भीतर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती, इसलिए अंदर बताओ वैद्युत क्षेत्र बताओ ई का मान, जीरो होता है, ई का मान जीरो होता है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत कायदे से आप समझिएगा, ठीक है। तो चलिए देखें, अब बताओ समझ में आ गया, हो गया सबका, जल्दी कर ले। अंदर वैद्युत क्षेत्र, बहुत पहले हम आपको बता चुके थे कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान जीरो होता है, आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत, नोट कर ले। उसके बाद इसका एक बहुत ही बढ़िया सा ग्राफ बना दे, मामला खत्म हो जाए। तो चलिए देखें, बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ इसका बनने जा रहा है, आपको ग्राफ बढ़िया भी लगेगा, ऐसा ग्राफ आज के पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। तो चलिए देखें, अब आपको हम ग्राफ बना करके दिखाते हैं, आराम से बिल्कुल समझिएगा, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले आइए अंदर की बात करें, थोड़ा सा आइडिया लें ग्राफ कैसा बनेगा। अंदर तो वैद्युत क्षेत्र जीरो है, ठीक है, ग्राफ खींचते बनाने जा रहे हैं। आइए पहले आइडिया लेते हैं, क्या हाल है बताओ गोले के अंदर का। तो भैया ई अंदर, अंदर बताओ कितना है? जीरो है। चलिए अब बात करते हैं सतह पर, ई सतह, ई बताओ कहां सतह, ये है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। अब बताइए बाहर का क्या हाल है, बताओ ई बाहर, आपका है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, उसके बाद आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, मतलब बाहर ई समानुपाते एक बटे आर स्क्वायर है, यह है पूरी कहानी। अब देखिए ग्राफ हम बनाने चल रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत बढ़िया ग्राफ बनेगा। ये देखिए ये है हमारा गोला, ये है गोला, उसके बाद ये देखिए ये है आपका वाई एच, और ये देखिए आपका है यक्स एच। ग्राफ देखना, ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। ये देखिए आपका वाई एच है, उसके बाद ये आपका यक्स है, इसको हम यक्स डैश मान लेते हैं। ये देखें, ये है हमने मान लिया मूल बिंदु आपका वो, ये गोले का केंद्र मान लिया सी है। ये देखो आवेश बताओ इसके सतह पर बताओ बटा था, आपने देखा ही था, ठीक। तो चलिए हमने बताओ यक्स अक्ष पर बताओ क्या लिया है, यक्स अक्ष पर दूरी लिया है आर, ये देखो आर लिया है, और वाई अक्ष पर हमने लिया है वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, वैद्युत क्षेत्र बताओ कैपिटल हमने ई लिया है, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, अंदर तो बताओ सन्नाटा है, बताओ अंदर बताओ वैद्युत क्षेत्र का मान जीरो है, तो अंदर ग्राफ नहीं होगा, बोलो भाई अंदर बताओ वैद्युत क्षेत्र का मान, अंदर ग्राफ नहीं होगा क्योंकि अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान जीरो है। ग्राफ ये देखो सतह से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, यहां से ये देखिए सतह पर वैद्युत क्षेत्र शुरू हो रहा है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, और जैसे ही बाहर निकल जाओगे ई समानुपाती एक बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहां से शुरू होकर के
और जैसे बाहर निकलोगे ये हो जाएगा अति परवलयाकार। तो जैसा ग्राफ आपका इधर बना था, ठीक है, सेम टू सेम ग्राफ आपका इधर बनेगा। ये देखो, ये आपका ये बना ये। अब बताओ ये कह सकते हैं, बताओ इस समानुपाती, बोलो, एक बटे आर का स्क्वायर, और यहां भी आपका वही होगा, बताओ इस समानुपाती, बोलो, एक बटे आर का स्क्वायर। और यहां पर देखिए वैद्युत क्षेत्र अधिकतम है, ई बराबर यहां पर, हाँ ई बराबर ई मैक्सिमम है, ये ई बराबर क्या है, मैक्सिमम है, ये है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। यहां पर भी देखे ई का मान अधिकतम है, ई बराबर मैक्सिमम है, इसका भी मान है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। ये ग्राफ आपका है गोले का। चलिए, बहुत बढ़िया, इसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर मिलेंगे। धन्यवाद।